हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना फूडी राहुल लेकर आ गया हूँ अपने दोस्त को साथ में। और भाई आज हम कहाँ जा रहे हैं? पराठे खाने, वो भी उड़ उड़ के खाएंगे, फ्लाइंग वाले पराठे। मतलब फ्लाइंग वाले पराठे। और ये भाई ने बताया था कि कहीं पे है, तो अभी मैं इन्हीं के साथ जा रहा हूँ। तो भाई क्या इरादा है? खाने, भूख लगी है, रात भी हो रही है, ठंड भी अच्छी है, पराठे खाने में मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों चलो, ठंड और पराठे दोनों का आनंद लेंगे साथ साथ। हाँ, ठंड और पराठे का आनंद लेंगे। ब्लॉग में बने रहना दोस्तों। दोस्तों एक चीज और, इन्होंने जो है धोखे से मुझे उठा के लाए आज। कहीं का रास्ता बता के भाई उठा लाए हैं। दोस्त है तो दोस्त का थोड़ा बहुत तो फायदा उठाना चाहिए। पूरा थोड़ा उठा के अच्छा लगता, पूरा ले तो पूरा उठा लिया फायदा थोड़ा नहीं। चलो दोस्तों चलो। तो दोस्तों ये जो उड़ते उड़ते पराठे आप देख रहे हैं, मैं आ गया हूँ सफदरजन गेट नंबर 6 हॉस्पिटल के पास में। और ये है फ्लाइंग पराठे वाले। तो फ्लाइंग पराठे वाले ये देखिए क्या उधर से इतनी दूर से फेंकते हैं, करीब फीट दूर से, और ये पराठे उड़ के जो है ना यहाँ आते हैं। और यहाँ आपको मिलेंगे कई तरह की वैरायटी पराठों की, जैसे कि आपका आलू का पराठा, आलू प्याज पराठा है, मिक्स पराठा है, और साथ में अंडे वाला पराठा, वो भी आप यहाँ पे आके टेस्ट कर सकते हैं। ये जो फूड जॉइंट है जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, ये देखिए वाह क्या धड़ाधड़ जो है पराठे उड़कर आ रहे हैं। ये पूरी रात चलता है। अगर आपको कभी रात बिरात अगर आपका मन करे कुछ खाने का, आपको हंगर स्ट्राइक करे, तो आप यहाँ पे आकर के पराठे खा सकते हैं। ये उड़ते हुए पराठे हैं, फ्लाइंग पराठे। दोस्तों मैं रोहन भाई को लेकर आया हूँ फ्लाइंग पराठे खाने के लिए। तो भाई ये जो आपने देखी, ये कलाकारी देखी कहीं दिल्ली में और कहीं? हाँ ये देखी है। कहाँ पे देखी है? यहीं पे। और ये देखिए अभी इनकी पूरी नजर जो है पराठों पर है। तो आप कौन सा पराठा लोगे? अंडा पराठा खा लेते हैं, वही घर ये तो अंडा बाकी सारे। हाँ तो ये अंडा पराठा खाएंगे और मैं खाऊंगा आलू प्याज का पराठा। तो दोस्तों चलो देखते हैं कैसे बनते हैं ये पराठे। तो दोस्तों मेरे को मिल गया है मेरे आलू प्याज का पराठा। और रोहन भाई आपका डबल अंडे का कहाँ है पराठा? बस रेडी है। देखिए वो वहाँ तवे पे सिक रहा है, रेडी है, रेडी टू प्रोसेस है भाई। अच्छा अंडर प्रोसेस। तो दोस्तों मैं तो फटाफट इसे टेस्ट करता हूँ और रोहन भाई अभी जरा थोड़े देर में टेस्ट करके बताएंगे रिव्यू। पराठे के साथ गर्मा गर्म चाय हो जाए तो बात ही अलग है। और ये देखिए क्या मज़ेदार गाढ़े गाढ़े दूध की बन रही है चाय। भैया दे दो, दो चाय दे दो भैया। तो दोस्तों मैं आपका अपना फूडी राहुल लेकर आया हूँ आज आपको मिडनाइट हंगर को सेटिस्फाइड करने के लिए सफदरजन हॉस्पिटल गेट नंबर 6 के साथ में पराठा पॉइंट। और यहाँ पे मिलते हैं बहुत सारे टेस्टी लजीज पराठे। और अभी मैंने ऑर्डर किया था आलू प्याज का पराठा, और मेरे जो दोस्त हैं परम मित्र, उन्होंने किया था अंडे का पराठा। तो इनको एक्चुअली नॉनवेज ज़्यादा पसंद है, तो ये यही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये देखिए, हाँ क्या बता रहे थे? ये हम राक्षस है, नॉन वेज ज़्यादा ही पसंद है। तो इन्हें नॉन वेज ज़्यादा पसंद है। दोस्तों पूरी रात 24/7 जो है चलता है ये पराठा पॉइंट। और यहाँ पे 7-8 तरह के पराठे मिलते हैं, जिसमें कि आलू का पराठा, प्याज का पराठा, आलू प्याज पराठा, पनीर पराठा, और जो स्पेशल है यहाँ पे अंडे का पराठा। वाकई खाने लायक चीज़ है। यहाँ पे मेरे को पराठे में मिली है चटनी, अचार मिर्च का और गाजर का, साथ में मिला है पराठा और गर्मा गर्म चाय। ये देखिए चाय पॉइंट साथ में ही है। तो अगर आप पराठे के साथ चाय भी टेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आज कर सकते हैं। और ये देखिए डबल अंडे का पराठा। और ये देखिए पराठे के साथ इन्होंने मक्खन भी दिया ढेर सारा भर भर के। दोस्तों यहाँ पे उड़ते हुए पराठे देख के मेरे को बड़ी हैरानी हो रही है, क्योंकि दूर से जो है अगला बंदा पराठे हवा में ऐसे उछालता है जैसे कि
एग्जैक्ट पहुंचा देगा। और ये देख रहे हैं आप, पूरा वो गोल गोल तवे पे जाके ही गिरता है और एकदम सेंटर में। तो दोस्तों इस बात पे एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और ये हमारे रोहन भाई है, वहाँ पे फ़ोन पे बात करते करते पहुँच गए। यहाँ पे हमने अपना अंडे वाला पराठा और आलू प्याज का पराठा ख़त्म कर दिया है, और साथ में ये देखिए चाय भी फिनिश कर दिया है ऑलमोस्ट। अब ये हमारा सेकेंड राउंड है। भाई को पराठे इतने अच्छे लगे कि वो पहुँच गए लेने के लिए दोबारा से। तो दोस्तों रोहन भाई अपना जो है पराठा ले आए, आए कितने खुश नज़र आ रहे हैं। तो भैया कौन सा वाला ले आया पराठा? ये भी आपने आलू प्याज खाया, हमने अंडे का खाया, अब आपको मिल रहा है प्याज का पराठा। प्याज का पराठा, तो दोस्तों प्याज का पराठा भी वही सेम साइज का है। देखिए लेडीज है ये पूरे। अचार ऐसे खाते हैं जैसे सब्जी। ठीक है भाई, लगे रहो। दोस्तों बात यह है कि हमने यहाँ पे तीन पराठे टेस्ट किए थे। एक था डबल अंडे का पराठा जो अपने भाई ने टेस्ट किया था, मैंने किया था आलू प्याज पराठा, और एक था सिंपल आलू पराठा। तो पराठों का मैं बताऊँ आपको तो 30 रुपीज़, 50 रुपीज़ और 70 रुपीज़ का पराठे थे। साथ में चार चाय थी। तो रात को यहाँ पे आना सफल रहा, हमारी भूख जो है मिट गई है। और रोहन बाबा पराठे कैसे थे? पराठे जैसे ही बने थे। अच्छा। गोल थे। अच्छा। बेहतरीन था, अच्छा था, अंडे का ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ। बाकी प्याज और ऐसे ही है, बाकी आना तो अंडे पे ज़्यादा फोकस करना। हाँ। तो दोस्तों ये अपना अपना स्वाद है, मैं भी यही कहूँगा कि मेरे को अंडे वाला काफ़ी अच्छा लगा, और जो लास्ट में था वो थोड़ा सा ऐसे ही था। बाकी जो है ना पराठे का ठीक था। आप हमें न्यूट्रलाइट वाला मक्खन मिल गया था, लेकिन आप अमूल वाला लेना, 10 रुपये का एक्स्ट्रा लेगा, वो लगा के खाना, वो अच्छा लगा। और दोस्तों अगर आपको ब्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें। और भाई चैनल को देखते रहें, देखते रहें रात और दिन बिना ब्रेक के। तो दोस्तों ये था आज का ब्लॉग। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपको एक और ब्लॉग में। जाओगे तब तो मिलोगे, कहीं खड़े खड़े मिलोगे। रोहन भाई आज जो है ना बहुत थक गए हैं भाई, हम थक गए हैं, हमारा है। और अभी ये निकल पड़े हैं बाइक लेकर के। ओके जी, बाय बाय, अभी खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों जो है हम आ गए हैं पराठे वाले के यहाँ, हमने पराठा खा लिया है। दोस्तों बात यह है कि हमने यहाँ पे तीन पराठे टेस्ट किए थे, एक था डबल अंडे का पराठा। तो दोस्तों ये था आज का ब्लॉग, अगर आपको पसंद आया हो तो हेलमेट उठा ले भाई, नहीं तो ब्लॉग बनाते रहेंगे। हाँ ठीक है, तो दोस्तों चलता हूँ मैं, रोहन भाई तो निकल गए हैं, मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट एक। हाँ ठीक है, तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपको एक और व्लॉग में। जाओगे तब तो मिलोगे, कहीं खड़े खड़े मिलोगे।